ले लो भाई ले लो, सस्ते दामों में कच्चा आम लेके आ गया आपकी गली मोहल्ले में, बिल्कुल खट्टा अचार के लिए स्पेशल आम। अरे लालू जी, योगी जी, अखिलेश, राहुल, सोनिया जी, ले लो, अचार के लिए स्पेशल आम है, बिल्कुल खट्टा, अभी आम के बगीचों में से बिल्कुल ताजा तोड़ के लिए चला आ रहा हूँ, ले लो ले लो। अरे मम्मी जी, 1.5 किलो कच्चा आम ले लो, 1 किलो का अचार बनवाऊंगा और 0.5 किलो ऐसी नमक लगा के खाऊंगा काट के। अरे मेरे बेटे राहुल, पिछले साल 0.5 किलो आम का अचार बनाया था, पूरे साल भर रखा रहा, तूने एक भी कतरा नहीं खाया आम के अचार का, अब तो फिर बनाने को कह रहा है कि मत बनवा आम का अचार। और रही बात कच्चे आम को काट के नमक से खाने की, तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, बिल्कुल मत खा। वैसे मोदी जी, अपना रेट बताओ, क्या रेट बेच रहे हो इस आम को, रेट बताओ। सोनिया जी, वैसे मैं आम को सस्ता ही बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें और सस्ता लगा दूंगा, सिर्फ 10। अरे मम्मी जी, मोदी जी सिर्फ 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, ले लो 10 किलो आम ले लो, बहुत सस्ते बेच रहे हैं, मैं तो समझ रहा था 100 रुपए किलो बेचते होंगे, ये तो सिर्फ 10 ही रुपए किलो बेच रहे हैं। अरे राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है, कम से कम मुझे पूरा रेट तो बोलने देते, मैं 10 बोला उसके तुरंत बाद तुम बीच में बोल पड़े। अरे 10,000 को बेच रहा हूँ मैं आम, 10,000 रुपए किलो, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। अरे मोदी जी, मैं इतनी देर से तुम्हारी बैठे बैठे सुन रहा हूँ, क्या तुम्हारे सोने उने के आम है जो 10,000 रुपए किलो बेच रहे हो, ये कोई बात हुई या हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए जो तुम्हारे 10,000 रुपए किलो आम खरीद लेंगे। अरे योगी जी, ज्यादा बातें तो मिलाओ मत, तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं है, 10,000 रुपए किलो लेना हो आम ले लो, नहीं लेना हो मत लो, मैं अपने बगीचे का आम इसी रेट बेचता हूँ, समझे। अरे मोदी जी, ये तुम्हारे आम के अंडे देते हैं जो इतने रुपए महंगे बेच रहे हो। अरे मोदी जी, तुम्हारे आम के 10,000 रुपए रेट सुनने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ आया क्यों था। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है ऐसे आम का अचार जिसको खरीदने के लिए घर मड़ैया ही बिक जाए, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे आम का अचार। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।